हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम एक छोटा सा चैप्टर है और एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल जेईई और नीट में एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़े थे, जैसे हम मोल वन या मोल टू की बात करें, तो हमने जो रिएक्शन पढ़े थे वो इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े थे। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन से कई डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम जो भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ने, मतलब जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो हम इस चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। और सेकेंड बात, इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम का अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बकेट है, उस बकेट को हमने नलके के नीचे रख दिया और ऊपर से हमने क्या कर दिया, पानी चलाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बकेट के अंदर जो पानी का हाइट होगा वो बढ़ने लगेगा। क्या होगा अगर मैं उस बकेट में एक छेद करूं, तो क्या होगा, ऊपर से पानी डलता होगा, नीचे से पानी निकलता होगा। मैं क्या करूं कि जितना जो पानी डलना है और जो पानी निकलना है, अगर मैं उसका रेट इक्वल कर दूं, उसका रेट क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, तो जो पानी की हाइट होगी वो क्या होगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो यही हमारे पास क्या है, इसी को हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह जैसे मान लीजिए आप लोगों का बर्थडे आता है, तो बर्थडे में क्या होता है, मान लीजिए किसी ने आपको 50 रुपए का गिफ्ट दिया, तो आप लोग भी क्या करेंगे, बाजार में जाके मतलब 50 या 60 इसके अराउंड ही आप लोग भी देखेंगे कि उसने 50 रुपए का गिफ्ट दिया है, तो आप भी 50 रुपए का देंगे। तो ये जो गिवन और टेक वाला सिस्टम है, इसको भी हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा जो रिएक्शन है, जो भी हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो दो डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा होगा और वही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा होगा। और इस रिएक्शन पे जो रेट हो जाएगा उनका कांस्टेंट और इक्वल हो जाएगा, उसी को हम इक्विलिब्रियम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन से आप क्या समझते हैं, दैट इज ओनली रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो लिखेंगे व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो लिखेंगे रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन।
रिएक्शन व्हिच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी बी सी प्लस डी तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओवर वन मोमेंट ओवर बिना का जो भी रिएक्शन बने हैं वो इररिवर्सिबल रिएक्शन है ये अभी क्या है हमारा यहां पे ये अभी है हमारा यहां पे रिएक्टेंट और सी और डी क्या है हमारा यहाँ पे दिस इज अवर प्रोडक्ट ये क्या है हमारा प्रोडक्ट तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हो उस तरह के रिएक्शन को हम इररिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं ठीक है तो व्हाट इज दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ What is the important characteristics of irreversible reaction? क्या characteristics है irreversible reaction का? तो सबसे पहला characteristics है only proceed in one direction. सेकंड अगर हम बात करें तो इनको कुछ इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है सेकंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ आर इस तरह के एरो से वो रिप्रेजेंट किया जाता है थर्ड ये हमेशा कंप्लीट होती है ऑलवेज गो गोस फॉर कंप्लीशन अगर ये कंप्लीट होती है तो इनमें लिमिटिंग रिएजेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट लिमिटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट और ये हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉरी ओपन कंटेनर के अंदर होता है एक इज in open container इसमें होता है open container तो जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं एग्जांपल क्या होगा भाई ऑल कंबस्टन रिएक्शन जैसे मान लीजिए मैंने पेपर को जला दिया कागज को जला दिया तो क्या हो जाएगा उससे कार्बन बन जाएगा ब्लैक क्या उस कार्बन ब्लैक से आप वापस से पेपर बना सकते हैं नहीं बना सकते तो जितने भी कंबस्टन रिएक्शन होते हैं वो कैसे रिएक्शन होते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन ऑल कंबस्टन रिएक्शन इसी तरह जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है सॉल्ट क्या सॉल्ट से वापस से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता तो रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड
strong reaction will be strong acid and strong base. तो ये किस तरह के एग्जांपल है भाई, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के टाइप्स है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं भाई, ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। दोनों डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है कि रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्ट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड में भी जाएगा, और उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और ये रिएक्शन हमेशा चलता ही जाएगा, दिस रिएक्शन इज स्टिल रनिंग, ठीक है। तो लिखिए रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, forward direction and backward direction, that is in forward direction and backward direction, that is reactant can be converted into product as well as product can also be converted into reactant, that is reactant can be converted into product as well as product can also be converted into reactant, clear is of course. जैसे for example A+B will change into C+D, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो A और B मेरा रिएक्टेंट है, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो C और D उस केस में मेरा रिएक्टेंट होगा और A और B मेरा प्रोडक्ट होगा। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन देखो तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी किसमें चेंज हो रहा है, सी प्लस डी, ठीक है। और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, सी प्लस डी चेंजिंग इन ए प्लस बी। इस केस में ये मेरा रिएक्टेंट था और ये हमारा प्रोडक्ट था, इस वाले केस में ये हमारा रिएक्टेंट है और ए और बी हमारा बंदा है, तो ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता हो, इस तरह के रिएक्शन को बोला जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन आर, और इसको बोला जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, उनको इरिवर्सिबल को आर आर आई आर से लिखेंगे और रिवर्सिबल को आर आर से लिखेंगे, तो ध्यान रखिए सर। जैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, वैसे ही हम बात करते हैं
रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोसीडिंग बोथ डायरेक्शन, प्रोसीडिंग बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, ठीक है, प्रोसीडिंग बोथ डायरेक्शन और रिप्रेजेंटेड बाय रिवर्सिबल एरो, इस तरह के हाफ एरो, इसका मतलब फॉरवर्ड में जा रहे हैं रिएक्शन, इसका मतलब बैकवर्ड में आ रहे हैं, तो इस तरह के एरो से इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता रहेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता रहेगा, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो नेवर गोस फॉर कंप्लीशन। अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेवर गोस फॉर कंप्लीशन, और अगर ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट, ऑफ लिमिटिंग एजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इनके बारे में, ये क्लोज कंटेनर के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, क्लोज कंटेनर के अंदर, ठीक है, क्लियर है, एक मिनट, इन क्लोज कंटेनर, ठीक है, क्लोज कंटेनर के अंदर होते हैं ये रिएक्शन वाले, क्लियर है सबको। तो बहुत सारे एग्जांपल है इस पूरे चैप्टर के अंदर, जो भी रिएक्शन अपने को गिवन होगा वो कैसा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के, एग्जाम्पल है जैसे मेरे पास एड टू प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस एनएच, तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है मेरा, रिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिएक्शन, इस प्रोसेस का नाम होता है एपर प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बाद में हम वो सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे कि अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे ज्यादा से ज्यादा, वो सारे फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिएक्शन से अमोनिया बनाते हैं, तो अमोनिया ज्यादा कैसे बने, उसका प्रोडक्शन ज्यादा कैसे हो, वो सारे फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सबसे लास्ट में लीच एंड पियर प्रिंसिपल के, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आई, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मैं कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आयरन सॉलिड इसको रिएक्ट करा दिया वाटर वेपर के साथ, तो ये रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है Fe3O4 प्लस H2S, और ये रिएक्शन ओपन कंटेनर के अंदर, मतलब रिवर्स इरिवर्सिबल रिएक्शन, अगर इसको बैलेंस करें 3 6 4, फिर सेकंड में उन्होंने क्या करा, जो यहां पे प्रोडक्ट क्या है मेरे पास Fe3O4
उसको रिएक्ट कराया हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा इधर वापस वो बन जाएगा 3N3 प्लस 4H2O में। और ये रिएक्शन भी ओपन कंटेनर के अंदर हो रहा, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो साइलेस ने सोचा कि बार बार दो रिएक्शन कराने की बजाय इस रिएक्शन को क्लोज कंटेनर के अंदर, इस रिएक्शन को दो बार कराने की बजाय उन्होंने देख लिया कि ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट बना रहा था, सेकंड उन्होंने ये रिएक्टेंट लिया और वापस वही प्रोडक्ट मिल गया अपने को। तो उन्होंने क्या सोचा कि इस रिएक्शन को दो बार कराने की बजाय एक ही बार कराया जाए और क्लोज कंटेनर के अंदर कराया जाए। तो फिर लास्ट में क्या किया गया, इस रिएक्शन को क्लोज कंटेनर के अंदर, इस रिएक्शन को क्लोज कंटेनर के अंदर कराया गया। और ये रिएक्शन आपका क्लोज कंटेनर के अंदर कराया गया। स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, आयरन को वाटर वेपर के साथ कंबाइन कर रहे थे, तो धीरे धीरे सिलेक्टेड का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा था और अपने पास क्या होता जा रहा था, Fe3O4+H2। लेकिन अब कंटेनर क्या था आपके पास क्लोज, तो ये उस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकता था, एस्केप नहीं हो सकता था। तो जैसे ही इसका कंसंट्रेशन कम हुआ और इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, तो एक पॉइंट ऐसा आया ये Fe3O4+H2O ने मिलके फिर से ये कन्वर्ट हो गए आयरन प्लस वाटर वेपर, और इसी पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। अब दोनों रिएक्शन के बीच में क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम। ये फॉरवर्ड, this is forward direction and this is backward direction। इसका जो rate होगा forward का उसको rf बोलेंगे और इस backward का जो rate होगा उसको rb बोलेंगे। तो equilibrium के ऊपर क्या होता है, हम already discuss कर चुके हैं, rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction। तो यहाँ पे rf is rate of forward reaction and rb rate of backward reaction, ठीक है। और ये रिएक्शन किसके अंदर हुआ, क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर होता है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसको डिफाइन करेंगे हम और चीज करेंगे। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया था ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, व्हेन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है भाई, जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो अपने पास सिर्फ क्या था, रिएक्टेंट, अपने पास क्या था सिर्फ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, अभी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आर है उस केस में मैक्सिमम था, और आर भी क्या था अपने पास
सब स्टेज में जीरो, वेट इज इक्वल टू टी जब टाइम मेरे पास कोई टी सेकंड है, तो उस केस में अपने पास क्या होगा, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट भी होगा और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट जो स्पीसीज थी वो रिएक्ट कर रही है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका रेट कम हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस केस में आर एफ की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, और आर बी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। वेन टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया तो उस केस में आपका जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट भी रहेगा और प्रोडक्ट भी रहेगा, उसमें रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। लेकिन क्या हो जाएगा इस केस में, जो रेट होगा दिस आर है इज इक्वल टू आर, और इस इक्विलिब्रियम को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाएगा इसको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से आप लोग क्या समझते हैं, जैसे ही ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलता जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी चलता जाएगा, मतलब रिएक्शन इज स्टिल रनिंग, रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा लेकिन रन करता रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता रहेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता रहेगा। इसलिए ये यहां पे जो इक्विलिब्रियम है उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है, यहां पे जो इक्विलिब्रियम है उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, बिकॉज आवर रिएक्शन इज स्टिल रनिंग, बिकॉज आवर रिएक्शन इज स्टिल रनिंग। ठीक है, क्लियर है सबको, रिएक्शन इज स्टिल रनिंग। तो देखिए नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम लिखेंगे सर, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम किसके लिए डिफाइन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ये चीज अब आपको ध्यान रखनी है, इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा। तो फॉर एन रिवर्सिबल रिएक्शन equilibrium is defined as, equilibrium is defined as the quiet oblique time at and after which rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम, क्या होता है अ पॉइंट और टाइम एट एंड आफ्टर विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of backward reaction। कोई ऐसा point या time जिसपे या जिसके बाद forward reaction और backward reaction का rate equal plus constant होना चाहिए। rate की टर्म में अगर हम बात करें तो rate equal plus constant, लेकिन कंसंट्रेशन की टर्म के
कंसंट्रेशन इसमें बच्चों को मिलता रहता है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते ही किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर आपसे कंसंट्रेशन की टर्म में पूछे तो कंसंट्रेशन सिर्फ कांस्टेंट होनी चाहिए और इक्विलिब्रियम की टर्म में कांस्टेंट प्लस इक्वल दोनों होना चाहिए तब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा भी किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी जाती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेट की टर्म में कब इक्विलिब्रियम आएगा रिएक्शन में, जब रेट इक्वल प्लस कांस्टेंट हो जाए। कंसंट्रेशन की टर्म में कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते ही रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिया है, मान लीजिए उनके मोल तो भी बचे हुए हैं, किसी के 5 मोल बचे हैं, किसी के 6 मोल बचे हैं, उसके 10 मोल बन गए, उसके 12 मोल बन गए, लेकिन कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते ही इक्विलिब्रियम तो आ गया, फिर भी उनके मोल अभी बचे रहेंगे रिएक्शन के अंदर, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट तो होना ही है, लिमिटिंग रीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं यहां पे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट जो ग्राफ हम बनाएंगे इसके बीच में रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, out of these three graph which one will represent equilibrium। मेरा क्वेश्चन है कि तीनों में से this is first, this is second and this is third, out of these three which one will represent equilibrium, कौन सा वाला? C। देखिए फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखें तो सिर्फ कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, रेट सिर्फ इक्वल हुआ है, ठीक है, रेट कांस्टेंट हुआ है, इक्वल नहीं हुआ है। तो अगर आप देखें यहां पे जो रेट है वो कांस्टेंट है, यहां पे भी अगर आप देखें तो रेट सिर्फ कांस्टेंट हुआ है, इक्वल नहीं हुआ है, यहां पे भी रेट सिर्फ कांस्टेंट हुआ। इस वाले ग्राफ में अगर आप देखें
तो रेट दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर आप देखें इस वाले ग्राफ में रेट कांस्टेंट के बराबर बार इक्वल भी हो चुका है, तो वही तो मैंने बोला कि रेट के टर्म में कांस्टेंट और इक्वल दोनों होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा किसी रिएक्शन। तो विच वन विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, तो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम को? थर्ड, ठीक है, दिस वन। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करना है, ये और ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट नहीं करता। मेरा सेकंड जो ग्राफ है वो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो मैं यहां पे ग्राफ बना रहा हूं, दिस इज माय रिएक्टेंट एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम सेकंड ग्राफ है, जैसे मेरे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो इसको अगर हम बनाए तो जैसे ये गिवन है आपके पास, दिस इज आवर रिएक्टेंट एंड ये हमारा प्रोडक्ट। तो एक और ग्राफ बनाते हैं, तो आउट ऑफ दिस थ्री ग्राफ विच वन विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, इन तीन ग्राफ में से कौन से वाला इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा? एमी विच वन विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बताइए जल्दी से। इन तीनों में से दिस वन कौन से वाला? सेकंड, ये वाला। हमें बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए, आउट ऑफ दिस थ्री ग्राफ विच वन विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम? बोलो। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आंसर क्या है? दिस ऑल विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। आंसर है हमारे पास सभी, ये भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। देखो मैंने बोला था कंसंट्रेशन के टर्म में कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम आ जाए, तो देख लीजिए यहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका, यहां पे भी कांस्टेंट हो चुका, और यहां पे तो कांस्टेंट ही दोनों ही हो चुका। हाँ, अगर तीनों को अगर हम बोले तो दिस इज प्रोडक्ट फेवरेबल, आपसे पूछा जाए ये जो ग्राफ है फर्स्ट वाला, दिस इज प्रोडक्ट फेवरेबल, प्रोडक्ट फेवरेबल में रिएक्टेंट वन टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, बिकॉज़ प्रोडक्ट इज
दिस इज प्रोडक्ट फेवरेबल, दिस इज रिएक्टेंट फेवरेबल, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, इस स्लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहता है, तो दिस इज रिएक्टेंट फेवरेबल बिकॉज रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल एंड इट डज नॉट वांट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एंड दिस इज रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट मोस्ट फेवरेबल, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट फेवरेबल। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट वाला वी इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी। फर्स्ट प्रोडक्ट फेवरेबल, रिएक्टेंट फेवरेबल एंड रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट फेवरेबल। यहां पे समझ गए ना प्रोडक्ट फेवरेबल का मतलब क्या है, कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है, सो रिएक्टेंट वांट टू कन्वर्ट इट टू प्रोडक्ट। यहां पे रिएक्टेंट फेवरेबल मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, जो प्रोडक्ट यहां पे बनने वाला है उससे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, स्टेबल से अनस्टेबल में क्यों जाएगा कोई चीज। ठीक है, और ये वाला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ फेवरेबल। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, क्लियर है? तो करो इसको कॉपी जल्दी से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स, इक्विलिब्रियम दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम और सेकेंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस। दैट इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलोट्रोपिक चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O लिक्विड फॉर्म से इसमें कन्वर्ट होता है H2O, गैसेस फॉर्म। ठीक है, इसी तरह H2O सॉलिड विल चेंज इनटू H2O लिक्विड, इसी तरह कार्बन डायमंड विल चेंज इनटू कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, तो दिस इज एलोट्रोपिक फॉर्म। तो एलोट्रोपिक चेंज भी किसमें आते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है केमिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश फॉर केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो लिखेंगे इक्विलिब्रियम
एस्टैब्लिश फॉर केमिकल गैस ठीक है। जैसे जैसे भी N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल चेंज इनटू 2NH3 ठीक है। इसी तरह SO2 गैस प्लस O2 विल चेंज इनटू तो ये सब कैसे रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। इसी तरह H2 प्लस I2 चेंज इनटू 2HN ठीक है। फिर तो ये किस तरह के रिएक्शन है, ये सब केमिकल रिएक्शन है। तो इन केमिकल रिएक्शन के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। फिजिकल या एलोटॉपिक चेंज के बीच में जो रिएक्शन एस्टैब्लिश होगा उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये है सबको ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से जो करैक्टरिस्टिक्स है, एक बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है लिखे हैं सभी इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश फ्रॉम एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मुझे रिएक्शन दी गई है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। तो यहां पे अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में 20 इज इक्वल टू 0, मुझे गिवन है ए का ए मोल, बी का बी मोल और सी और डी के बारे में कुछ पता नहीं है मुझे। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में वो करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लीजिए सेकंड में मुझे ए के सी मोल गिवन है और डी के डी मोल गिवन है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन से लगेगा, ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम can be established from any direction. Second point is at equilibrium rate of forward reaction and backward reaction, rate of forward reaction and backward reaction becomes equal and constant. At equilibrium, rate of forward reaction and backward reaction become equal and constant. ठीक है? Next point, equilibrium is dynamic in nature. Equilibrium किस nature का होता है, dynamic nature। Equilibrium establish होने के बाद भी reaction चलता रहता है, reactant product reactant में ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये किस नेचर का है, डायनामिक इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन एनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, देयर इज नो चेंज इन एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिखेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज which can be
major properties which can be measured, that is temperature, volume, mole, color, mass. ठीक है, तो ये कैसे प्रॉपर्टी है कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या बोला मैंने, देयर इज नो चेंज इन एनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद जो प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं हो, उन पे कोई चेंज नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम फुल स्टॉप। It can only alter time required for attainment of equilibrium. It can only alter time required for attainment of equilibrium. सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में देखने वाले हैं, एक बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर, एट इक्विलिब्रियम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। याद रखिए सर, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, बट रिमेंबर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड है। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, क्लियर है?